इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पेट्रोल पंप पर एक लंबी लाइन लगी हुई है। आप भी देख रहे होंगे अपने शहर या कस्बे के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको लग रहा होगा कि आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का अकाल आने वाला है या आने वाले कुछ दिनों तक पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस वक्त ट्रक चालक हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका है, जिससे ये माना जा रहा है कि अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तब भी सही सोच रहे हैं। आपको बता दें, लगातार हड़ताल के बाद कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट रुकेगा तो चीज़ों का अकाल तो पड़ने ही लगेगा। चीज़ें कम होने लगेंगी, उनकी बिक्री ज़्यादा होगी, जिसके बाद दुकानों पर सामान दिखाई नहीं देगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर देखते हुए सरकार ने आनन फानन पर एक नया बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जिस बात को लेकर ट्रक चालक हड़ताल कर रहे हैं वो कानून तो अभी तक लाया ही नहीं गया है। उन्होंने बताया कि कानून लागू नहीं किया गया है, जब भी कानून लागू किया जाएगा तो ट्रक के चालकों के संगठनों से बात की जाएगी। आपको बता दें, सरकार के द्वारा एक नए कानून को लाया गया था, जिसमें बताया जा रहा था कि ट्रक चालक अगर सड़क हादसे में किसी को मार देते हैं या उन किसी की मौत हो जाती है और वो वहां से चले जाते हैं तो उनको 10,00,000 रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में ट्रक चालक कहीं ना कहीं 5,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करते हैं, तो इतनी बड़ी रकम कैसे दे पाएंगे। ट्रक चालकों का ये भी कहना है कि वो जानबूझकर किसी को नहीं मारते हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए वो वहां पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जनता उनको मार देगी, उनको हर हाल में ही मरना है, जिसको लेकर लगातार विरोध चल रहा है। ये विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो पेट्रोल पंपों पर बड़ी तादाद में दिखाई भी देने लगा है, क्योंकि जनता पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार लगाए हुए है। फिलहाल आपको बता दें, सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि ये नियम अभी लागू नहीं किया गया है, जब लागू किया जाएगा तो ट्रक चालकों के संगठनों से बात की जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रक चालकों से अपील की गई है अपने काम पर वापस लौट जाए। फिलहाल आपको बता दें, किसी भी चीज़ की कोई कमी पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रक चालक अपना अपना काम जल्द ही शुरू कर देंगे।